सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th के बारे में, जिसमें पूछ रहा है कि अ कॉनिकल पिट ऑफ द डायमीटर 3.5 सेंटीमीटर 12 मीटर डीप, व्हाट इज द कैपेसिटर इन द किलोलीटर। बस हमें वॉल्यूम को भैया निकालना है कि हमारा मान लीजिए उसी तरीके का पिट है तो हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का बस वही फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें भी तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो देखिए 1/3 पाई कोल वही रखेंगे, रेडियस कोल कितना रखेंगे 3.5 का आधा का होल स्क्वायर इंटू हाइट। ठीक है, ये तो हमारा वैल्यूम आ गया, हाइट कोल में दी है 12 मीटर, देखिए वह तो हमारा वैल्यूम आ गया, लेकिन इसमें करा हमें भैया किलो लीटर निकालना है। बस हम जानते हैं कि जब भी हमें क्या लीटर निकालना रहता तो किससे डिवाइड करते हैं 1000 से, आँख मूंद कर केवल हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लीटर में आ जाएगा। ठीक है, लीटर में तुम्हारा आ गया, किलो लीटर में कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं 1 किलो लीटर इक्वल टू कितना 1000 लीटर, तो बस फिर 1000 से और डिवाइड कर दीजिए तो ये हमारा किलो लीटर में आ जाएगा। तो देखिए अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बदलना है तो हमेशा 1000 से डिवाइड करेंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक बच्चों, आप लोग 1000 से डिवाइड कर दें लीटर में तुरंत बदल जाएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन 6th के बारे में। क्वेश्चन 6th क्या इसके लिए दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ कोन। ये भी तो हमारा क्वेश्चन आसानी है, इसमें भी हमें वॉल्यूम दे दिया, कितना दिया है 956। ठीक है, तो इसका हमें 1/3 पाई आर रेडियस दिया, रेडियस हमें दे दिया है कि 28 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, तो रेडियस कितना होगा इसका आधा कितना होगा बोलिए आप लोग, 14 सेंटीमीटर होगा ना बोलिए आप लोग, हाँ बहुत सही। तो हमारा हाइट निकाल लेंगे, यहाँ से हाइट निकाल देंगे, हाइट आ गई हमारी। अब स्लैंट हाइट क्या होता है फार्मूला होता है आप लोग, स्लैंट हाइट हम लोग जानते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू बताइए आप लोग, एच की वैल्यू हमें एच की वैल्यू हमें दी ही है, कितना दिया है बोलिए आप लोग, हाँ एच की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक, हम लोग यहाँ से निकाल के रिपोर्ट कर लेंगे। तो देखिए लेंथ स्लैंट हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइट तो हमें पता ही चल जाएगी यहाँ से, रेडियस तो पता ही था, स्लैंट हाइट इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। और हमें ये पूछ रहा कर्व सरफेस एरिया कौन, चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में कर्व सरफेस एरिया कौन क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।